पेपर फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड. ध्यान से सुनना क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा नॉट कंफ्यूजिंग, जिन्हें आता था उसे समझ आ गई, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने ये पूछ के ही किया होगा, दैट इज श्योर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड ऑन ऑड नंबर्स ऑफ टीम इन अ अपर हाफ फॉर नॉकआउट फिक्स्चर. ठीक है, अब नॉकआउट में दो चीजें मैंने आपको बताई थी पहले भी. ठीक है बेटा, नॉकआउट इलिमिनेटेड होता है, यानी कि पहली बार में जो मैच खेल लिया उसके बाद उसे बाहर. यहाँ पर वो पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्या फॉर्मूला है फर्स्ट और सेकंड टीम को डिवाइड करने का, यानी कि फर्स्ट हाफ अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करने का क्या फॉर्मूला है पहले में, ये उसने पूछा है. ठीक है, उसका फॉर्मूला है अपर हाफ के लिए नंबर ऑफ टीम्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, और लोअर के लिए इसमें ही ये है टीम्स को डिवाइड करने का. आप ध्यान से ये बात को सुनो, ये टीम को डिवाइड करने का है. ठीक है, दो चीजें आ रही है थर्ड क्वेश्चन और इसमें कंफ्यूजन है तब मैं बता रही हूं. अगर टीम को डिवाइड करने आएगा तो यहां पर एन माइनस वन ओवर टू, वेयर एन इज ए नंबर ऑफ टीम्स, जहां पर नंबर ऑफ टीम्स हैं, मान लो 11 टीम्स हैं. ठीक है, हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने फर्स्ट अपर के लिए क्या या अपर पार्ट के लिए क्या लेना है, एन यानी कि नंबर ऑफ टीम प्लस वन ओवर टू, 12/6, 2. ठीक है ना, 6 2 इसका मतलब क्या है हमारा, सॉरी 2/6. ठीक है, इसका मतलब ऊपर वाली कितनी टीम्स होंगी, 1 से लेकर 6 तक नंबर की टीम्स जो हैं वो अपर हाफ में आएंगी, और लोअर हाफ में वैसे तो अपने आप में पता चला चल गया ऑटोमेटिकली, फिर भी n माइनस वन ओवर टू. ठीक है, 11 में से 10/2, 5. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन पहले रिलेट कर लेते हैं. उसमें उसने कहा है कि बाय का क्या सिस्टम है, टोटल नंबर ऑफ जो बायज है वो अपर हाफ को कितने मिलेंगे और लोअर हाफ को कितने मिलेंगे. यहां पर सिस्टम उल्टा हो जाएगा, जहां पर बाय पूछा जाएगा वहां सिस्टम उल्टा हो जाएगा, जहां पर टीम को डिवाइड करने का पूछा जाएगा वहां पर ये वाला सेट है. ठीक है, अब कैसे है, मान लो ये 11 ही है. ठीक है ना, 11 टीम्स हैं आपके पास. ठीक है बच्चे, हमने इसको बाय कैसे करनी है, बाय का सिस्टम क्या है बेटे, कैसे बाय निकालते हैं, एनी वन ऑफ यू बाय कैसे निकालते हैं, दोज हु आर ऑन द ऑनलाइन दे कैन ऑल्सो आंसर, बाय कैसे निकालेंगे, पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू. 11 टीम्स हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 जो है वो टीम से नंबर ऑफ गिवन टीम से अबव वन स्टेप है. ठीक है ना, ये है ना 2 2 4, 2 8, 2 16. ठीक है, यानी कि 11 से आगे का है. अब हमने क्या करना है, 16 - 11 नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास आ गया 5. ठीक है, हमारे पास कितने आ गया 5. इसका मतलब 11 में से 5 टीमों को बाय मिलेगी फर्स्ट राउंड में. फर्स्ट राउंड में 11 में से 5 टीमों को बाय मिलनी है. समझ में आ गया, बाय का मतलब क्या होता है पलक, बताना बेटे प्लीज जल्दी से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय. फर्स्ट राउंड 5 टीमें नहीं खेलेंगी. अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, हाँ हाँ, इसमें से ये हमने अपर हाफ एंड लोअर हाफ हो गया हमारा, अपर हाफ में 6 टीमें हैं, लोअर हाफ में नेक्स्ट जो बच गई हैं वो है. अब हमने बाय लेना है. बाय का तुम्हें सिस्टम पता है ना कि उसकी रोटेशन कैसे होती है, कैन एनीवन टेल कि बाय की रोटेशन कैसे करते हैं, आपको पता है, यू नो, नहीं, हाँ, किसको आती है, जिसको भी आती है बता दो बेटा. सबसे पहले लास्ट वाली को देते हैं, ठीक है, यस, फिर इसको देते हैं, ठीक है, यही रोटेशन. अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि ऊपर वाले बाय को कितनी मिलेगी, यहां पर एन माइनस वन ओवर टू,
यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, और लोअर हाफ में n प्लस वन ओवर टू। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, ठीक है सिक्स हो गए ना अपर की, सिक्स में से पांच सॉरी सिक्स है, तो हमारे नंबर ऑफ टीम्स ये जो है वो 11 है, उसमें से अपर हाफ को कितनी मिली है, नंबर ऑफ टीम्स लिखनी है, यहाँ पर 16 लिखना है। रोटेशन में आप करके देखे, पहला हमेशा नीचे वाली टीम को मिलता है, लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को बाय, दूसरा पाय हमेशा अपर वाली टीम को मिलता है, अपर की सबसे टॉप को, तीसरा बाय हमेशा लोअर टीम की अपर वाली को मिलता है, ठीक है। अगर तीन बाय है, चाहे यहाँ पर पांच बाय है ना, नेक्स्ट बाय जो है वो अपर टीम का सबसे लोअर वाले को मिलता है सीक्वेंस में। अब क्या हो गया, रोटेशन एक खत्म हो गई, दूसरी रोटेशन यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 11 प्लस ये हो गया, ठीक है सॉरी सॉरी मैंने गलत किया, रॉन्ग किया, वेट, यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से 5 प्लस 1 6, 6 बटा 2, 3 जो है वो नीचे वाली टीम को मिली है, ठीक है, और ऊपर वाली टीम को कितनी मिल गई है, 6 में से 1 माइनस वैसे 2.5, इसीलिए उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 5 हो गए पूरे के पूरे, समझ में आई तेरे को बात। और अगर मान लो 6 होती बाय, 6 बाय होते कहीं पर, तो हमने क्या करना था, ये यहां से स्टार्ट हुआ ना, अगला इसको मिल जाना था, अगर 7 होते तो इसको मिल जाता, अगर 8 होते बाय तो इसको मिल जाता, इस तरीके से रोटेशन जो है वो साथ के साथ चलती रही। समझ में आ गई रोटेशन का वे, सबसे पहले वाली जो है बाय वो हमेशा नीचे वाले को मिलती है, फिर अपर हाफ के सबसे टॉप को मिलती है, फिर लोअर हाफ के जो सबसे टॉप को मिलती है, फिर अपर हाफ के सबसे लोअर को मिलती है, दिस इज द सीक्वेंस। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगी कभी, इतनी बात समझ में आ गई आपको, अब समझ लेनी है ध्यान से। नेक्स्ट है नॉकआउट सिस्टम क्या होता है बेटा, नॉकआउट सिस्टम क्या होता है, अभी बताया नॉकआउट सिस्टम क्या है, हाँ इलेमिनेटिव, ठीक है, एक बार जो खेला वो बाहर गया। इसमें वो कह रहा है कंसोलेशन टूर्नामेंट आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्स्चर, किसका है, नॉकआउट का, कैसे फिक्स्चर क्या है पहले तो ये बताओ ना, फिक्स्चर क्या होता है, व्हाट इज फिक्स्चर, क्वेश्चन तो ये है पहला, मैंने ये क्वेश्चन अदरवाइज तो वो तुम्हें रटा हुआ है, फिक्स्चर किसको बोलते हैं, है शेड्यूल बनाना, शेड्यूल जो है, ठीक है ना, फिक्स्चर क्या तैयार होता है, शेड्यूल बनाना, कौन सा मैच किस तारीख को किस टीम के साथ होगा, कितने बजे होगा, कौन से ग्राउंड में होगा, ये सारी चीजें फिक्स्चर में तैयार की जाती है। अगर बाय है तो उसका भी बैक पूरा लॉक लेना है 2-3 सालों का, कि टॉप टीम्स कौन सी थी, ठीक है, उनके सेटलमेंट कहाँ करनी है, क्योंकि सीडिंग भी आ सकती है साथ में, तो ये सारी चीजें जो तैयार होती हैं उन्हें हम फिक्स्चर कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा बात, कंसोलेशन टूर्नामेंट इज आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट, फिक्स्चर जो है वो किसका है, वो नॉकआउट का है, क्योंकि लीग में तो हर डबल लीग सिंगल लीग में हर एक टीम ने दूसरी टीम के साथ खेलना ही खेलना है, उसमें कोई कंडीशंस और होती नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द साइक्लिक टूर्नामेंट टीम्स आर रोटेटेड, साइक्लिक मेथड आता है, साइक्लिक मेथड आता है आपको, कर सकते हो अभी, एनीवन जल्दी बताओ कि साइक्लिक टीम का आता है आपको, किसी सबको आता है, जरूरत तो नहीं है करवाने की, यहाँ पे एक ही है कोड शेयर होया, ये तो मेरा वाला ही कोड है सचिन, जहाँ उदा सीबीएसई का है, हैं 10 तो एक है, ठीक है जी, आता है ना साइक्लिक, पता है कैसे करना है, चलो एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि हम रिवीजन पे ही हैं, इसको कर देते हैं। मान लो हमारे पास 6 टीम है, फर्स्ट टीम जो है वो राइट साइड पे रहेगी, इसका याद रखना हमेशा, 1 2 3 4 5 6 ये यहीं पर रहेगा स्टेबल, इसको नहीं हिलाना, ठीक है, लीक का मतलब, और ये लीक मैचेस में होते हैं, साइक्लिक उनका ही एक मेथड है। अब क्या है
इसका मतलब वन ने सिक्स के साथ मैच खेला है, ठीक है। अब ये शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि इसने इसके साथ मैच खेल लिया। छ दो तीन चार पांच, पहले का हर टीम का हर दूसरी टीम के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं साइक्लिक मेथड, जो ऑड इवन नंबर्स में, ये इवन नंबर है। अब मान लो ऑड नंबर आ जाता है, एग्जाम्पल ही दे रही है छोटे छोटे, ठीक है। तो बाय जो है उसे राइट साइड पे रखना है, उसे कंटिन्यू राइट साइड पे ही रखना है, उसे नहीं हिलाना। पांच टीमों का कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना। यानी कि पहले राउंड में पांचवी नंबर टीम को बाय मिल गया, उसका मैच नहीं हुआ किसके साथ। दूसरी बार में हमने क्या करना है, दूसरी बार में बाई यहीं पर है, पांचवी वाली टीम यहां पर आ गई, नीचे आ गई ये दो तीन चार, यानी कि चौथे नंबर वाली टीम को बाय मिल गया। फिर तीसरे नंबर, फिर दूसरे नंबर की टीम को, सब टीम का आपस में मैच होगा और एक एक हर टीम को बाय भी मिलेगा। समझ में आ गया बेटा, इज इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। समृद्धि, यू आर नॉट फीलिंग वेल और फीलिंग स्लीपी? मूड हो गया जाएगा थोड़ा, ठीक नहीं है क्या बात हो, सिर दुख रहा है? वहां बैठ सकती है, थोड़ा एयर फ्रेश ले सकती है कि नहीं? ज्यादा ठंड लगी है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट? क्या है इसकी पता है ना, 1:1, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विच डेफिशिएंसी? विटामिन ए, ठीक है ना। डी का तुम्हें पता है, रैकेट है, और ई का भी तुम्हें पता है, इट्स ऑल रिलेटेड टू द ऑर्गन्स, ठीक है ना। व्हाट इज अनदर, या व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2? क्या नाम है, है? राइबोफ्लाविन, ठीक है। विच अमंग्स दिस इज नॉट अ माइक्रो मिनरल्स? पहले ये बताओ माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क होता है, माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है? मैक्रो, ये मैक्रो है, ये माइक्रो है, ठीक है। इनमें क्या फर्क है? एनी वन ऑफ यू दोस हु आर प्रेजेंट इन द क्लास ऑनलाइन, क्या फर्क होता है बेटे? वेयर ए इज देयर इट मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी। वेयर आई इज देयर माइक्रो मीन्स शॉर्ट, वेरी लेस बट इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि उसकी कोई वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस कि ये नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये हम मैक्रोस पे काउंट करते हैं, वेयर एज विटामिन वगैरह है या दूसरी चीजें हैं वो मिनरल्स वगैरह, वो हमें थोड़ी क्वांटिटी में ही हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, ये चीजें हैं। उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि विच अमंग्स कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आयोडीन, इनमें से कौन सी चीज है जो कि मैक्रो मिनरल में नहीं आती है, कौन सी ऐसी है? आयोडीन, आयोडीन किस लिए होती है बेटे, पता है वैसे तुम्हें? आयोडीन की जरूरत तो बहुत है, हाँ थायराइड, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड को वो करता है। वेयर एज कैल्शियम जो है वो हमारे किस लिए यूज होता है, कैल्शियम किस लिए यूज करते हैं हम? कैल्शियम है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बॉडी में चाहिए होता है। आयोडीन हम मैक्सिमम किससे ले लेते हैं, नमक है, इवन उसमें होता है बेटा प्याज का जो रस होता है ना उसमें आयोडीन होता है, इसलिए कहते हैं कि प्याज जो है वो खाना चाहिए। उसके बाद फॉस्फोरस है जो हमारे टिश्यूज और सेल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, इसलिए जरूरत है लेकिन क्वांटिटी का फर्क है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व एट द लुम्बर रीजन? लुम्बर इज अ लोअर रीजन, डोंट लाफ एट द डायग्राम, डायग्राम का कोई मायने नहीं है यहाँ पर तुम्हें स्ट्रक्चर समझाने का, ठीक है।
ये है हमारा स्ट्रेट अलाइनमेंट होती है, ठीक है बेटा। कईयों के डिफॉर्मिटी का मतलब है पोस्चरल, हमारा पोस्चर उसमें कभी कमी का नहीं, यहाँ पर फॉर्मेशन को चेंज करने का है, ठीक है। आम कई बार हम देखते हैं यहाँ से बैक हमारी ऐसे होती है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कई ऐसे चलते हैं, यहाँ पर जो लुम्बर रीजन है उसका कर्व जो है वो बन गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ये चीज वो पूछ रहा है कि ये डिफॉर्मिटी जो है वो किसमें होती है, उस बीमारी को या उस डिफॉर्मिटी को क्या बोलते हैं, उसे लर्डोसिस बोलते हैं। तुम आसान, क्योंकि हमने भी बेटे लर्निंग की है तुम्हारी तरह जब हम स्कूल में थे, कंफ्यूजन मत करना। लर्डोसिस जब भी आए, ऐसे लर्डोसिस है, ऐसे लुम्बर है, लोअर पार्ट है, ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए वो दिमाग में। उसका काइफेटिक होगा, इसका मतलब वो ऊपर वाला अपने आप हो गया, ठीक है ना। इजी टू जस्ट रिमाइंड, ये नहीं है कि इसी पैटर्न में याद करो जैसे तुम्हें इजी, बट वी लर्न इन अ डिफरेंट वे। हमने भी याद ही करके क्लासेस पास किए, ठीक है। एल फॉर लुम्बर, एल फॉर लर्डोसिस। अगर ऊपर का हम करते हैं, क्योंकि कितने डिफॉर्मिटीज होती हैं, काइफेटिक है, ठीक है, ये सारी स्पाइनल की हैं, लर्डोसिस है, राउंड है, ये सारी राउंड शोल्डर्स, ये सारी किस्में आती हैं, ये हमारी स्पाइन वाली डिफॉर्मिटी में आती हैं। दूसरी जो जनरल है वो है हमारी नॉक नी, बॉ लेग्स, फ्लैट फुट, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। इज इट क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट इज विच पोस्टरल डिफॉर्मिटी हैज अ कन्वेक्स राइट और लेफ्ट। अब कन्वेक्स और कन्वे कनकेव में बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूजन कर जाते हैं, कन्वेक्स और ये कन्वेक्स है तो ये कनकेव है, ठीक है ना। जहां पर केव बनती है गुफा जैसे, वो केव पार्ट है, कनकेव है, दूसरा कन्वेक्स है, ठीक है। ये एस में है पोस्टरल। आमतौर पर हम देखते हैं कई लोग जो हैं उनकी अलाइनमेंट जो है यहाँ से हिली होती है अलाइनमेंट, ठीक है ना। और क्या होता है, थोड़ा सा बेंड होने के कारण वन शोल्डर इज डाउन वन इज अप, जिसके कारण एस शेप बोल लो, सी शेप सिर्फ बोल लो, कुछ भी बोलो, ये बनती है लेफ्ट टू राइट पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इनिशियल स्टेजेस पे थे। आम तुम देख सकते हो ये बहुत दूर से नजर आ जाते। विच मोटर स्किल इज इन्वॉल्व इन स्मैशिंग वॉलीबॉल। ग्रॉस और जो मोटर स्किल है और फाइन मोटर स्किल है, पहले उसमें डिफरेंस बता दो क्या है। पलक आप बताओगे बेटा, मोटर स्किल्स जो है ग्रॉस में और फाइन मोटर स्किल में क्या फर्क है। ठीक है, जहां पर छोटी से छोटी चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी, जैसे हम फिंगरिंग करते हैं वॉलीबॉल में, ठीक है, दैट आल्सो कम्स अंडर द फाइन मोटर, ठीक है। ये ग्रॉस में, क्योंकि हमारी पूरी लेग की मूवमेंट है, अगर हमने सिर्फ उसको बुली देनी है तो हमारे इस फुट का होगा, वहां पर फाइन डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज इसमें बताई गई है, ठीक है, गुड आंसर। रेट एट विच द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड इज नोन एज। कोई भी एक्टिविटी जिस स्पीड में या जिस वे से की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी। इसकी हाई इंटेंसिटी थी, इसकी लो इंटेंसिटी थी, नॉर्मल इंटेंसिटी पे काम हो रहा था, हम बोलते हैं ना उसका वर्किंग वे और स्पीड, एक्सीलरेशन दोनों काउंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम मोटर लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। मोटर लर्निंग कब हम करते हैं, कौन सी उम्र में सबसे ज्यादा होता है मोटर लर्निंग की, चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड की भी स्टेजेस जो है वो कहाँ से शुरू हो जाती है, मैक्सिमम जो है वो हम 6 साल से शुरू कर लेते हैं। 6 साल से टीन एज तक के अंडर में जो भी आता है वो मैक्सिमम हम हर चीज सीखते हैं, स्विमिंग सीख लेते हैं, जिमनास्टिक सीखते हैं, डिफरेंट गेम्स जो है, मेजर गेम्स जो है, या कोई भी एक्टिविटी करना है, वहां पर हमारी जो माइंड ब्रेन का और हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो ज्यादा फास्ट होता है। चाइल्डहुड के बाद जब आता है वो हमने एक्सपीरियंस में करते हैं, उसके बाद तो ग्राफ बार के हिसाब से हमने नीचे आना है, तो हमारी डिटेरियोरेशन होती है।
और छोटी उम्र में हमारी ब्रेन जो है इन्फेंट्स में या उससे चाइल्डहुड से पहले अर्ली जो है उसमें क्या होता है, हमारा माइंड जो है उसकी बैलेंसिंग या कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. दैट्स वाई ओनली द चाइल्डहुड दैट स्टेज वेयर वी गेट द मैक्सिमम मोटर डेवलपमेंट. ठीक है बच्चे. रेट एट विच द एक्टिविटी इज बींग परफॉर्म इज सॉरी उसके बाद है मैक्सिमम मोटर. ओके. विच टेस्ट इज डेवलप्ड टू टेस्ट फिटनेस इन सीनियर सिटीजंस. सीनियर सिटीजन के लिए जो टेस्ट होता है उसका क्या नाम है? रिकली जॉनसन. एक्चुअली तो ये डेवलप किया गया था इन दो पर्सन के द्वारा, उन्हीं का नाम दे दिया गया है रिकली जॉनसन. ठीक है ना. इसके द्वारा उन्होंने कुछ टेस्ट किए हैं जिसमें कंपोनेंट्स ही नॉर्मली चेक होते हैं हमारे, और ये देखा जाता है फिटनेस ऑफ अ सीनियर पर्सन नो डाउट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी. जो आइटम्स हैं या वर्क है वो लेस होता है, लेकिन हमें अच्छी तरह पता है कि जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है वैसे वैसे हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाती है. रीजन बींग कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन, एजिंग फैक्टर काम करता है और स्लो डाउन हो जाता है. आप नॉर्मली देखो जितना मर्जी आप कर लो रिंकल्स का पड़ना, इसका मतलब अंदर से मसल्स ने लिगामेंट्स ने छोड़ना शुरू कर दिया है. ठीक है. ऑर्गन्स जो हैं यूरिनल के लिए है, डाइजेस्टिव के लिए है, सब चीज़ें जो हैं वो कम होती जाती हैं. बोन्स डेंसिटी कम होती जाती है, उससे क्या होता है मूवमेंट्स कम हो गई. मूवमेंट्स कम हो गई बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनका भी इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे हम पर पड़ना शुरू हो जाता है. इसलिए फिटनेस इन चीज़ों को, ऐसी बात नहीं है कई एक आते हैं हम पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे या न्यूज़पेपर में 102 साल के ने ये किया ये किया फौजा सिंह ने ये. दैट इज आल्सो सम हेरिडिटरी फैक्टर्स आर देयर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देता है. वी हैव टू चेंज. नो डाउट मैनी फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर इज देयर, फूड फैक्टर इज देयर, एक्सरसाइज सब कुछ है, थॉट प्रोसेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस सब कुछ काउंट होती है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे थ्रू डिटर्मिनेशन हाउ वी कैन एक्सपेंड. ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. व्हाट इज द वैल्यू प्लेस्ड फॉर अ मेल इन VO2 max formula? अब ये क्या चीजें होती है? V2 ऑक्सीजन की इनटेक, किस तरीके से हम जब डीप ब्रीथ करते हैं उसमें वॉल्यूम या एक्सरसाइज करते हुए हम जब कितनी ऑक्सीजन को इनटेक या उसके हिसाब से हम वर्किंग को कर सकते हैं उसे हम इस क्वांटिटी में लाते हैं. कार्डियोवास्कुलर जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें इस चीज का प्रयोग किया जाता है. ठीक है. इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है और है इसमें एग्जाम्पल 1 का. हाँ 1. ठीक है ना. What is the weight of a medicine ball for boys in a medicine ball put? A medicine ball क्या होती है पहले ये बताओ. What is medicine ball? क्या कह रहे बेटा? नहीं, medicine ball शॉर्ट पुट नहीं होती है. अब जिस दिन भी क्लास में आओगे ना, आज तो मुझे लगता है पीरियड खत्म होने वाला है, तो मुझे याद दिला देना एक पीरियड पहले, मैं मेडिसिन बॉल यहाँ पे लाके दिखा दूंगा. जिस दिन भी आओगे ना मंडे को, चाहे मुझे मंडे को बोल देना, ऐसी कोई बात नहीं है. सैटरडे को आओगे सैटरडे को बोल देना, अगर मेरी ड्यूटी तुम्हारे टाइम पे ना हो. ठीक है. उसमें क्या है बेटा, मेडिसिन बॉल इट इज मेड अप ऑफ लेदर. ठीक है. 3 किलो की होती है बॉयज के लिए, 1 किलो की या 1.5 किलो की गर्ल्स के लिए होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मस्कुलर एबिलिटी. इसके अंदर स्टफिंग होती है और ये नॉर्मली कोर मसल्स हमारी बेंडिंग्स वगैरह के लिए एक्सरसाइजेस जो करवाई जाती हैं वो इसके थ्रू करवाई जाती हैं फॉर द रिहैबिलिटेशन. कभी इंजरीज वगैरह हो या कुछ हो उसमें भी इसका काम होता है कि कैसे बॉडी को दोबारा, ये नहीं कि चोट लगी है तो उससे करवा रहे हैं, मीन्स उसके मेडिकेशन के बाद का जब टाइम होता है जिसमें थेरेपी होती है नॉर्मली, उनमें ये भी एक शामिल होती है जिसके द्वारा हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी कोर मसल्स को, हमारी बैक को या एक्सरसाइज करने में हेल्पफुल होती है. हम शॉर्ट पुट के साथ तो ये रिस्क नहीं ले सकते हैं. ठीक है ना बेटा. या कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट. पहले ये बताओ आपकी हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज दैट? हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट किसको बोलेंगे बेटा, कौन बताएगा?
एनी वन ऑफ यू फॉर व्हाट, और किस लिए करवाया जाता है? हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट क्या है और इसका क्या पर्पस है? नाम सुना है? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए. एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ डूइंग हार्वर्ड टेस्ट दैट इज फॉर द कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस. अब ये क्या होता है? क्यूबिक स्टेप वुडन बना हुआ ब्लॉक होता है. वेट 16-20 बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए कम है. हमने फर्स्ट पैर रखना है, दूसरा पैर रखना है, एक उतारना दूसरा उतारना, रखना उतारना. जैसे तुम्हें वहां पर सर नॉर्मली हम करवाते हैं ना, इस पे रखो फिर इस पे आओ फिर या स्टेयर्स पे नॉर्मली हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट. और ये इसमें कॉन्टिन्यूशन या तुम्हारी हार्ट बीट देखी जाती है. 5 मिनट लगातार करना होता है ताकि हम आपके हार्ट रेट से चेक कर सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी है और कितनी एंडोरेंस पावर तुम्हारे अंदर है. तुम्हारे नॉट ओनली यू मींस फॉर अ ट्रेनर जो भी होगा उसके. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आगे कुछ करना है? यस, दोस हु आर ऑनलाइन, गीतेश है, आदित्य है, पुलकित है, फाइल गायब हो गई. चलो कोई चीज और पूछनी? और सच बताना कि अब प्लीज बेटा, अब जब भी करना है ना टेस्ट, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है. अब अपनी सिंसियरिटी से करो, पढ़ के करना, बुक पूरी को गो थ्रू. बुक परचेज की हुई आपने? कौन सी वाली? लेटेस्ट, लेटेस्ट में सैंपल्स भी आए हुए हैं क्या? एसर्शन वाली है तेरी बुक? ये तो नहीं पुरानी है तूने, क्योंकि चेंजेस हैं थोड़ी सी. न्यू किसकी, किसके लिए है? मास्टरमाइंड लिए? ठीक है, सेम लिए. ये जितने भी बुक्स है ना बेटा, ऐसा करना पेपरों के बाद, इस पेपरों के बाद नहीं, फाइनल के बाद जमा करवानी होंगी. रीजन बीइंग जो आने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी हेल्प के लिए. जैसे तुम्हें हम बताते हैं ऐसे देनी है, कई बार देनी है, कई बार दिखानी होती है. तेरे पास कौन सी है? एसपी, एसपी. मनीष के किसी के पास नहीं है? तेरे पास भी एसपी है? सारे ने एसपी दे लेती है. अच्छा, वैसे तो एक और बन ले आके भी दिखाएं ब्लू प्रिंट भी. ठीक है, कोई गल नहीं, ले आके दिखा दे वापस उसी वाले ले जाए. एनीथिंग यू वांट नाउ? तुम्हें पेपर का तो हर टीचर ने बता दिया होगा हाउ टू अटेम्प्ट दैट, और बार बार बताने के बाद भी मिस्टेक्स आम बच्चे करते हैं. इस चीज का ध्यान रखना कि चॉइस जो है, अगर तुम्हें जो परफेक्ट आते हैं उनके तो एबीसीडी लिखोगे, लेकिन अगर तुमने जो नहीं अटेम्प्ट करना उसका लास्ट ब्लॉक जरूर भर देना, बाकी कुछ मत भरना. ऐसा ना हो कि उसने उठाते समय अगर तुमने कहीं पे अनसर्कल कर दिया तो उसने फर्स्ट ऊपर के ले लेने हैं, जो करेक्ट होगा तुम्हारा या कुछ है वो नहीं काउंट होगा. समझ आ रही है इस बात को? पता चल रहा है कि क्या बोल रही हूँ मैं? मान लो आपके 20 अटेम्प्ट करने हैं, 25 दिए हुए हैं, तुमने उनमें से कोई भी 20 करने हैं, तो जो तुम्हें आते तुम रेंडमली करोगे ना, लेकिन 5 उसमें से छोड़ोगे. जो तुमने छोड़ने हैं उसके लास्ट ब्लॉक जहां पर हैशटैग होगा वहां पर फिल कर देना उस लाइन में, ताकि वो काउंट ना हो. नहीं तो उसने कंप्यूटर ने ऊपर वाले ही ले लेने, नीचे जो तुमने किए हैं एक्चुअल वो सारे या अनफेयर मीन में आ जाएंगे, वो तुम्हारे आउट हो जाएंगे. और ऐसा काम मत करना. ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे.